हेलो दोस्तों, आज हम लोग आए हैं उत्तर प्रदेश के जिला संत कवि नगर में, और आज आपको लेके चलते हैं बखीरा झील। बखीरा झील जो कि संत कवि नगर जिले के जिला मुख्यालय खैलाबाद से 20 किलोमीटर की दूरी पे है। और बखीरा झील पर्यावरण दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे कई तरह के जलीय जीव पक्षी पाए जाते हैं, खासकर जाड़े के मौसम में यहाँ साइबेरियन पक्षी आते हैं। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा होता है। और एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि बखीरा झील के आसपास के जो गांव हैं वो उनका जीवन यापन कुछ विशेष लोगों का, विशेष समाज के लोगों का जीवन यापन उसी के सहारे चलता है। लोग मछली पकड़ते हैं और नाव चलाते हैं, अपनी मवेशियों को वहाँ से घास काट के लेके आते हैं जो मवेशियों को खिलाते हैं। तो तमाम तरह की विविधता है वहाँ पे। और हाल ही में भारत सरकार ने इसको रामसर साइट घोषित किया है, जो कि आर्द्र भूमि है। और रामसर साइट एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है जिसके तहत भारत के कई प्रदेशों में रामसर साइट घोषित किए हैं, उसमें से बखीरा झील भी एक है। और ये काफ़ी रोचक है, आइए आपको लेके चलते हैं इसके टूर पर। नमस्कार नमस्कार मित्रों, मेरा नाम अखिलेश कुमार है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में शोधार्थी हूँ। आज हम लोग आए हैं बखीरा पक्षी विहार, जो अब रामसर साइट घोषित हो चुकी है भारत सरकार द्वारा। और आज देखने आए हैं कि आखिर यहाँ की जो आर्द्र भूमि है, यहाँ का जो जलवायु, यहाँ के लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर ये इतना बड़ा आर्द्र भूमि कैसे यहाँ पे मतलब रहा है, कैसे यहाँ का जनजीवन रहा है, लोगों का यहाँ से दिनचर्या चलती रही है, मछली पकड़ना और भी कार्य यहाँ पे होते रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश मोती झील के नाम से जाना जाता है। ये मोती झील के नाम से जाना जाता है। बड़े बड़े पहले दादा बाबा के प्रजुवा में विदेश विदेश के आदमी आते थे इधर तालाब में। माइक वाले लीजिए। तालाब में बड़े बड़े अधिकारी बड़े बड़े आते थे ताल देखने। मोती झील का नाम है, इसका नाम उत्तर प्रदेश में नवा ताल नहीं है। तो एक मजदूरा था, मेरे बाप दादा के कहूत है, चला चला आ रहा परंपरा से ये, कि मजदूरी करने गया तो बेचारे को उल्टा और सेज देने लगे। तो उसने शराब क्या दे दिया ये कि यार ये बखिया धंस जाएगा। ठीक है, तो ये बखिया में बाजार में एक बिल्ली बच्चा दिया था, कुछ दिन के बाद वो बिल्ली के अनुमान हुआ कि बिल्ली बच्चा दिया है। तो ये बिल्ली बच्चा अपने गांव दिया तो दूसरे गांव क्यों ठोक ले जा रही है? तो यहाँ के बखीरा के लोग क्या किए, अनुमान लगाने लगे कि बच्चा भाग रही तब बिल्ली लेके। तो ये भी अपना आदमी सजग हो गए, तो बिल्ली तो निकल गई, जो शेष बचे वो बखीरा बाजार में पस्त हो गया। अच्छा, एक बात बताओ जा कि मछली पकड़ने से कितना लाभ हो जाला? कब से आप मछली पकड़ रहे हैं? मछली देखा जाए, यहाँ एक जात है सोरैया हैं, वो अच्छा कमाते हैं। हाँ, हम लोग सहानी हैं, हम लोग हाँ, निषाद हम लोग हैं, हम लोग अपना परिवार नहीं मारते हैं, खाने पीने भर के मार दिए और बेचते उचते नहीं हैं। बड़ा बड़ा वाला मिल गया 200 400 500 का, तो हम लोग गर्मी मारता हूँ, मतलब माघ फूस में, इसके पहले छोटा वाला मारता हूँ खाने उन्हें भर के। कौन कौन जलीय जीव यहाँ पाया जाता है? पानी रहे वाला कौन जैसे है, कौन तरह के मछली, कौन तरह के जानवर जो जल में रहे? जल में देखा जाए अभी तो चिड़िया आएंगी विदेश से चिड़िया आएंगी, ठंडी पड़ रहा, ठंडी पड़ते हुए वो लोग आती विदेश से, इधर से नेपाल से, विदेश से बहुत दूर से आती है ताल में चढ़ने लिए। अपना यहाँ चढ़ती हैं, चढ़ने बाद वो लोग क्या करते हैं, जब गर्मी पड़ता है तो अपना वो लोग स्थान कर लेती हैं, जहाँ से आती हैं वो लोग उधर चले जाती हैं अपने गांव देश में। वो लोग जो बचते हैं थोड़े बहुत तो खा लेते हैं मार के इधर। हाँ, ये कहानी ऐसा है। इसमें और लोग बहुत जानवर हैं, बंसुरा हुए, कितना बड़ा बात तलवा, कितना तलवा 21 किलोमीटर में, मान लिया 21 किलो लंबाई है। ये मान लिया जाए बखीरा बाजार से और गोरखपुर राप्ती, हाँ ज्वाइंट है ये, राप्ती का पानी इसमें जाता है। तो तरफ
ये करीब 7 कोस में है। हाँ ये मतलब मेहदावर क्षेत्र पकड़ लिया जाए, मेहदावर क्षेत्र अपना जीवन बिताते हैं, जिसके पास खेती नहीं है, खाबारी नहीं है, कुछ नहीं, क्या करेंगे आदमी, अपना इसी पालुआर पालते जीते हैं। हाँ 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 ये ताल में ये नहीं था पहले, ये दादा बागराज में नहीं था, ये 17 साल की पाद आया है, डोंसा बोलते हैं। हाँ ये घास है, ये चौवा लोग काट के खिलाते हैं, सब लोग खिलाई जाती है इसको। हाँ नरका भी खिलाई जाती है, ये खास नहीं, ये काउर है हाँ हाँ काउर है, और उसके ऊपर सेवार है, सेवाल जैसे ठंडी पड़ेगा सर जमीन में जाएगा ये। हाँ भागीरथी साहनी जी से हम लोग की बात हुई, आज हम लोग आए हुए थे यहाँ पे बखीरा झील देखने, रामसर साइट। हाँ मोती झील चाचा बता रहे हैं कि इसका नाम मोती झील भी था, चूंकि अब रामसर साइट हो गया है, अब मोती झील ही नाम है इसका, वो कह रहे हैं बार बार कि इसका नाम मोती झील ही है। और चाचा जी बता रहे हैं कि यहाँ से जो आसपास के ग्रामीण हैं, गांव है, वहाँ के कुछ विशेष जात के लोग मछली पकड़ते हैं जो सरहिया नाम से जाने जाते हैं, और उनसे उनका जीवन यापन चलता है, उनसे वो थोड़ा धन भी कमाते हैं, उनके खाने के लिए भी हो जाता है। और भी पास के गांव वाले हैं जो यहाँ से घास काट के ले जाते हैं अपने मवेशियों के लिए, जैसे यहाँ पे कौन सी घास है चाचा, ये डौसा है, डौसा नाम का घास है, इसको काट के ले जाते हैं। उसके बाद तमाम तरह की मछलियाँ हैं, और ये ताल जो है ये कितना बताएं आप, 21 किलोमीटर में है। ये बता रहे हैं कि बखीरा झील बाजार से लेके और उधर गोरखपुर राप्ती नदी तक है, राप्ती नदी के तट से मिला हुआ है, लेकिन सारा फैलाव इसी तरफ है, काफ़ी लंबा चौड़ा, और शायद इसी को देखते हुए ही भारत सरकार ने इसको रामसर साइट घोषित किया है, जो कि आर्द्र भूमि से देश में कुछ ही आर्द्र भूमियाँ हैं। और आज हम लोग इसके दर्शन के लिए आए हुए थे, चाचा जी से थोड़ा आग्रह किए कि थोड़ा आप कुछ बता दीजिए यहाँ के बारे में जो जानते हैं। और ये देखिए हम जलकुम्भी आपको दिखा रहे हैं जो कहीं कहीं लगी हुई है। तो ये थी हमारी बखीरा झील की रिपोर्टिंग, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।